बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास हाउ आई यू आई होप यू आर फाइन नर्सरी क्लास पिटे नाउ अवर टाइम इज़ मैथ लेक्चर सो ओपन योर मैथ बुक विद मी एंड स्टडी ब्रिटिश स्टडी से पहले हम इलम में इजाफे के दुआ ज़रूर पढ़ेंगे तो सारे बच्चे साथ इल्म मेरे साथ में इजाफे के दुआ पढ़े रब्बी जिदनी इल्मा ऐ मेरे अल्लाह मेरे इलम इजाफ़ा फ़रमा उसके बाद बेटे हम पढ़ेंगे शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहम वाला है क्योंकि हम कोई भी काम अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं तो हमारा वो काम बहुत अच्छे से हो जाता है ऐसे है ना <coughs> बेटे अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूँ टुडे डेट इज़ सेकेंड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड डे इज वेडनेसडे हम कर रहे हैं सी डब्ल्यू सी डब्ल्यू मीन क्या होता है सबको पता है सी डब्ल्यू मीन होता है क्लास वर्क और आप सबको पता है क्लास वर्क हम बहुत अच्छे से करते हैं कोई भी मिस्टेक नहीं करते होते ऐसे है ना मिस्टेक तो क्लास वर्क में हमने करनी ही नहीं है ना अगर कोई मिस्टेक हो जाती हो वो रेस करके टीचर फ़ौरन से ठीक करवा देती है ना तो ऐसे ही बेटे आप लोगों ने ये घर में बैठ के बहुत अच्छे से काम करने है और टीचर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड भी किया करे कोई भी बच्चा सेंड नहीं करता ओके तो सब ने अब सेंड कर दिया करने <coughs> अच्छा बेटे अब हम टॉपिक देखते हैं काउंट एंड राइट काउंट काउंट मीन क्या होता है चीज़ों को काउंट करना एंड राइट और लिखना चीज़ों को गिनना और लिखना ठीक है ये देखिए ये भी हमारा ये टॉपिक लिखा हुआ है बुक के ऊपर काउंट एंड राइट काउंट एंड राइट काउंट करें और राइट करें ओके यहाँ पे डिफरेंट चीजें बनी हुई हैं हमने उन सब चीजों को काउंट करना है और फिर राइट करना है ये देखिए यहाँ पे एक बोर्ड बनाया हुआ है उसमें डिफरेंट चीजें एक एक चीज दी हुई है सबकी तो आप लोगों ने उस चीज को देखना है और फिर आगे यहाँ पे राइट करने ओके तो ये सबसे पहले चेक करें व्हाट इज दिस दिस इज फ्रेम फ्रेम जिसमें कोई पिक्चर लगाते हैं ना उसको कहते हैं फ्रेम तो ये फ्रेम है हमने अपनी बुक में फ्रेम को ढूंढना है चलें भी ढूंढना शुरू करते हैं ये, ये 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 नो ये है ये फ्रेम है ना हम इसको काउंट स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये फ्रेम्स कितने हैं टेन तो बेटे हम फ्रेम्स के सामने वाले ब्लॉक में नंबर टेन राइट करेंगे ये राइट किया हुआ है ना टीचर ने तो आप लोगों ने भी ऐसे ही राइट करना ओके आगे बेटे नेक्स्ट देखें कि ये क्या है बॉल बॉल ये बॉल है तो हमने बॉल को देखना है और फिर अपनी बुक में जितनी भी बॉल्स हैं उनको काउंट करना है चले भाई देखते हैं देखते हैं देखते हैं ये रही बॉल्स ये बॉल्स हैं हमने इनको काउंट करना स्टार्ट कर देना लेट स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व तो हमने बॉल वाले बॉल के सामने बॉक्स में ट्वेल्व राइट कर देना है ओके आगे बेटे ये देखें थर्ड नंबर पे क्या है बुक दिस इज़ बुक तो अब हमने अपनी बुक के अंदर ही छोटी छोटी बुक्स ढूंढ लेनी है फिर उनको काउंट करना स्टार्ट कर देना है ये देखें यहाँ पे अलमारी बनी हुई है अलमारी में हम बुक्स ढूंढेंगे और काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ये ट्वेंटी बुक्स हैं तो हम बुक के सामने वाले ब्लॉक में ट्वेंटी ही राइट कर देंगे ओके हमने ट्वेंटी राइट कर दिया है आगे बेटे ये, ये येलो कलर का फ्लावर है अब हम अपनी बुक में फ्लावर्स ढूंढेंगे और काउंट करेंगे चलें भैया ये हम फ्लावर्स ढूंढते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोरटीन एंड फिफ्टीन फ्लावर्स कितने हैं फिफ्टीन हैं। ठीक है तो यहाँ पे ये येलो फ्लावर के सामने वाले ब्लॉक में टीचर ने कौन सा नंबर राइट किया है फ़िफ्टीन तो आप लोगों ने भी फिफ्टीन ही राइट करना है ओके आगे बेटे ये ब्लॉक है तो हमने अब चेक करने अपनी बुक में कि कितने ब्लॉक्स है ओके ये ब्लॉक है इस ब्लॉक को हम ढूंढेंगे ढूँढेंगे कहाँ ये रहे ब्लॉग्स ये बेबी के पास ब्लॉक्स हैं तो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एंड एटीन ये कितने हैं एटीन हैं तो हम ब्लॉक के सामने कौन सा नंबर राइट करेंगे एटीन राइट करेंगे ओके आगे बेटे स्टार है तो हमने स्टार्स को ढूंढना है कितने स्टार्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी ही है ओके फ्लार स्टार्स भी ट्वेंटी हैं ये आज का हमारा सी डब्ल्यू था ये आप लोगों ने ऐसे ही बोर्ड के अंदर राइट करने हैं नंबर्स और लाइन को टच करके राइट करनी है उसके बाद बेटे हम करेंगे अपना होमवर्क तो होमवर्क में आप लोगों ने काउंटिंग करनी है देखे ये हमने काउंटिंग पहले की हुई है ना ज़ीरो टू ट्वेंटी नाइन तक सबको आती है ज़ीरो टू ट्वेंटी नाइन ये सब ने दोबारा से राइट कर लेनी है एक अलग से पेज पे और फिर हमने करना है होमवर्क काउंटिंग थर्टी टू थर्टी फाइव ये हमने न्यू से स्टार्ट करनी है ना थर्टी तक तो आप लोगों ने पहले की हुई थी अब हमने थर्टी से स्टार्ट करनी है और थर्टी फाइव तक राइट करनी है ठीक है ये टीचर ने राइट किया हुआ है थर्टी थ्री ज़ीरो थर्टी थ्री वन थर्टी वन थ्री टू थर्टी टू थ्री थ्री थर्टी थ्री थ्री फोर थर्टी फोर थ्री फाइव थर्टी फाइव ये आगे टीचर ने एक एक ब्लॉक छोड़ के डॉट लगाए हुए हैं ऐसे ही सारे बच्चों ने मामा से डॉट लगवानी है और फिर इसको राइट करके टीचर को दिखाने ओके बेटा टेक केयर हाफिज़